नमस्कार, मैं प्रेरणा मिश्रा, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। हरसिद्धि के बंछिवली नहर के समीप शाम को बदमाशों ने एक युवक के गर्दन पे मारी चाकू। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन तथा उनके बेटे अभिषेक बच्चन को हुआ कोरोना। दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में है भर्ती। जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन, इन तीनों का रिपोर्ट निगेटिव है। पूरा देश कर रहा है अमिताभ के ठीक होने की प्रार्थना। खगड़िया जिला के अलौली ब्लॉक में यरुआ गांव में नागपंचमी से पूर्व लगे मेले में उमड़ी भारी भीड़। लोगों के अंदर कोरोना का कोई डर ही नहीं, ना मुंह पे मास्क लगाया और ना सामाजिक दूरी का पालन किया। लोग खुद कोरोना को दावत दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जिला अधिकारी ने पकड़ी दयाल प्रखंड के बेलवा घाट में बाढ़ के संभावित स्थिति को देखते हुए जल स्तर का लिया जायजा। बेतिया के बैरिया प्रखंड में जिला अधिकारी ने आसाराम पटखोलिया तटबंध का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने कहा, तटबंध के निगरानी हेतु 190 होम गार्ड को लगाया जाएगा। बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव के मंदिर में हुई घटना। एक 24 वर्षीय युवक मंदिर में माइक को ठीक कर रहा था, उसके तार जोड़ने के दौरान उसे लगी करंट। सर्फ के काटने से 12 वर्षीय बालिका की हुई मौत। मृतका का नाम रानी कुमारी, जो पश्चिम चंपारण के संग्रामपुर पंचायत के इजड़ा निवासी रमेश महतो की पुत्री बताई जा रही है। मृतका अपनी फुआ के घर पंचभीड़वा में रहकर पढ़ाई करती थी। घर में सफाई के दौरान सांप ने डसा। मोतिहारी रहमानिया में इलाज के दौरान हुई मौत। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पंचभीड़वा की है। रक्सौल में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसके बाद 3 वार्डो को किया गया सील। सभी कंटेनमेंट जोन में दंडाधिकारी भी तैनात। ढाका विधायक फैसल रहमान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब उनके 4 अंगरक्षकों का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। 59 चाइनीज ऐप बंद होने के बाद अब 20 और चाइनीज ऐप बंद हो सकते हैं। जिला अधिकारी ने पताही के जीवली, पदमकेर एवं देवापुर पंचायतों का लिया जायजा। बता दें कि देवापुर के बागमती और लालबकिया नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के जायजा लेने पहुंचे जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा। नेपाल के तराई क्षेत्र एवं पूर्वी चंपारण जिले में लगातार हो रही वर्षा से लालबकिया बागमती नदी में दूसरे दिन भी जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा, जिससे पताही प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया। डीएम और एसपी ने देवापुर, लालबकिया, बागमती घाट सहित पताही के कई पंचायतों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बाढ़ से बचने की अपील की। खबर है, दुधौरा नदी के तटबंध टूटने से हजारों एकड़ फसल हुआ बर्बाद। बता दें कि छौड़ा दानो प्रखंड के नरकटिया पंचायत के नरकटिया गांव के पास टूटा है तटबंध, जिससे खेतों में फैला है पानी। दुधौरा नदी में भंगरी और पसा नदी का आता है पानी। इसके पूर्व पुरैनिया पंचायत में पसा नदी में मनरेगा के तहत बना नव निर्मित बांध टूट चुका है, जिससे पुरनिया पंचायत के विभिन्न गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। शनिवार को विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने पुरनिया पंचायत के बाढ़ प्रभावित गांव का किया था निरीक्षण। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए ताजा तरीन खबरों के साथ। धन्यवाद।